नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ फर्स्ट एड इन बर्न इंजरी, यानी कि जब जलने वाली इंजरी होती है तो वहाँ पे हमको बर्न्स हुआ है उसको फर्स्ट एड क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, इसी वीडियो में इसमें मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सब्जेक्ट कोड है PDIS 202 इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड हेल्थ। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एड इन बर्न इंजरी या तो शॉर्ट नोट ऑन बर्न इंजरी, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी रहता है। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इंजरी दैट वन कैन इवर एक्सपीरियंस इज ए बर्न इंजरी। बर्न्स आर क्लासिफाइड एज लाइक ए थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट बर्न्स, यूवी लाइट्स, रेडिएशंस। इस टाइप का बर्न्स अलग अलग प्रकार का हो सकता है। थर्मल बर्न में इंक्लूडिंग फ्लैम, रेडिएशन और एक्सेसिव हीट फ्रॉम फायर, स्टीम और हॉट लिक्विड एंड मेटल्स वगैरह वगैरह हो सकता है। केमिकल बर्न्स के अंदर इंक्लूडिंग वेरियस एसिड बेसिस एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल के अंदर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल शॉक एंड लाइटिंग एट्सेट्रा। लाइट बर्न्स यानी कि कोज बाय इंटेंस लाइट सोर्स और यूवी लाइट्स यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से भी बर्न हो सकता है। रेडिएशन सच एज न्यूक्लियर सोर्सेस। कोज ऑफ बर्न यानी कि बर्न्स होने के रीजन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्न्स आर इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम ड्राई हीट लाइक फायर, फ्लेम, ए पीस ऑफ हॉट मेटल, द सन, कॉन्टेक्ट विथ वायर कैरिंग हाई टेंशन इलेक्ट्रिक करंट और बाई लाइटिंग और फ्रिक्शंस। स्केल आर कोज बाई मोस्ट हीट ड्यू टू बॉइलिंग वाटर, स्टीम, ऑयल और वाटर एट्सेट्रा। सेकंड, केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स आर कोज बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक ए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा, और बाय स्ट्रॉन्ग अल्कलिक लाइक कोस्टिक सोडा, कोस्टिक पोटास, क्विक लाइम और स्ट्रॉन्ग एमोनिया। इसकी वजह से केमिकल बर्न हो सकता है। थर्ड वन, ए न्यूक्लियर बर्न्स इज कोज बाय द इंस्टेंटेनियस फ्लैश और इंटेंस हीट गिवन ऑफ बाई ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इट इज कैपेबल ऑफ कोजिंग सुपरफिशियल बर्न्स ऑन द एक्सपोज स्किन ऑफ पर्सन सेवरल माइल्स अवे। डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ बर्न्स यानी कि जो बर्न्स होता है वो डिग्री के अंदर मेजर किया जाता है और परसेंटेज में होता है। द डिग्री ऑफ बर्न्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ डैमेज टू द टिश्यूज। देर आर 5 डिग्री ऑफ बर्न्स। यहाँ पे जो बर्न्स होता है उसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिग्री व्हेन द स्किन इज रिडंडेड, सेकंड डिग्री व्हेन देर ब्लिस्टर ऑन द स्किन, थर्ड डिग्री व्हेन देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ डीपर टिश्यूज एंड ऑफ चेयरिंग, फोर्थ डिग्री स्टीम ब्लेब एंड 5 डिग्री कार्बोनाइजेशंस। सेकंड इज द डेंजर फ्रॉम बर्न्स डिपेंड ऑन द एरिया, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द बर्न्स रेदर देन द डिग्री। सुपरफेशियल बर्न्स ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी आर मोर डेंजरियस देन द कंप्लीट कैरिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द लिम्ब। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन द सेम पर्सन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मे शो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स। एनी बर्न ऑफ ओवर 30% इरिस्पेक्टिव ऑफ डीप डिग्री शुड बी हॉस्पिटलाइज एज प्रायोरिटी। मोर देन 50% बर्न आर मोर सीरियस यानी कि 50% से ज़्यादा अगर बर्न हो गया है तो वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स लाइक ए मेक श्योर द कोज ऑफ बर्न हैज बीन रिमूव्ड। रिमूव एनी कंटामिनेटेड क्लोथिंग, एनी ज्वेलरी यानी कि कंटामिनेटेड क्लोथिंग जो हुआ है बर्न की वजह से उसको दूर करना है, ज्वेलरी जो है उसको निकालना है। फ्लश विथ प्लेनिटी ऑफ कूल टैप वाटर यानी कि टैप वाटर जो कूलिंग टैप वाटर है उसको आपको उसके ऊपर फ्लश करना है। डू नॉट यूज आइस वाटर और आइस क्यूब यानी कि जो आइस क्यूब है उसका यूटिलाइजेशन डायरेक्टली नहीं करना है, बट कूल टैप वाटर का यूज़ करना है। डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट, क्रीम,
घी और बटर एटसेट्रा ऑन बर्न सरफेस, यानी कि जहाँ पे बर्निंग हुआ है वो सरफेस पे आपको कोई ऑइंटमेंट, क्रीम, घी, बटर या कोई भी इस टाइप का यूज़ नहीं करना है। ट्रीट द विक्टिम ऑफ ओवरकम फ्रॉम शॉक फ्रॉम बर्न, यानी कि जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको जो बर्न हुआ है, उसको जो शॉक लगा होगा, उसको हमें उससे बाहर लाना है। रेप द बर्न एरिया विथ अ ड्राई स्टरलाइट ड्रेसिंग और क्लीन क्लोथ, अवॉइड एनी प्रेशर और फ्रिक्शन। शिप द कैजुअलिटी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इफ ही इज फिट टू बी मूव्ड, यानी कि अगर वो मूव कर सकता है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे इमिडिएटली शिफ्ट करना है। इफ़ यू कैन नॉट टेक हिम टू ए हॉस्पिटल, वेट फॉर द डॉक्टर टू अराइव, अगर वो वहाँ से नहीं कर सकता है तो आपको डॉक्टर का वेट करना है, या तो कुछ नेसेसरी हॉस्पिटल पे कैसे पहुँचा जाए इस टाइप का अरेंजमेंट करना है। डू नॉट रिमूव द एडरिंग पार्टिकल्स ऑफ चियर्ड क्लोथिंग, यानी कि जो पार्टिकल्स क्लोथिंग का चिपक गया हुआ है शरीर के साथ, बॉडी के साथ, तो उसको रिमूव नहीं करना है। और दूसरा बात दोस्तों, बर्न इंजरी जो है वो बर्न्स इससे मेन रूल्स इज ए 9, यानी कि हेड के ऊपर का भाग जो है उसको, और हैंड्स है, लेग्स है, चेस्ट है, उसको हर एक को अलग अलग 9% में डिवाइड किया गया है। थैंक यू दोस्तों।